Hello and welcome to the BSc Pharm Second Student. I am Dr. Shailendra Singh Rathod. Chemistry, paper second, organic chemistry for the BSc Pharm Second. Unit 4 for the discipline. Unit 4 के अंदर हमने पिछले टर्म तक नाइट्रोजन पढ़ा था, अब अपन नाइट्रोजन नहीं पढ़ते, सही नहीं? डाइनाइट्रोबेंजीन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अपन तीन तरह के डाइनाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे। पहला है नाइट्रोबेंजीन पे बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रो लगा है, दैट इज ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। फिर एक छोड़ के लगा है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये मेटा समावेशी समावेशी। और फिर है पैरा, तीन तरह के डाइनाइट्रोबेंजीन पढ़े, ऑर्थो मेटा और पैरा। सबसे पहले अपन बनाते हैं जो सबसे आसान है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण। एनओ टू लगता है पैरा पे, पैरा के इलेक्ट्रॉन ये बना मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की रासायनिक अमोनियम सल्फेट से जो रिएक्शन कराते हैं तो एक NO2 ग्रुप से एक NH2 ग्रुप से तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, एनिलीन। फिर सोडियम सल्फेट से आगे रिएक्शन कराया तो दोनों NO2 NH2 हो जाएंगे, तो इसका नाम है मेटा फिनाइल फिनाइल थायमिन। तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण किया मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीकरण किया तो एक OH ग्रुप इसके एक NO2 के पैरा पोजीशन पे लगा और दूसरा इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा। पैरा वाला तो क्योंकि त्रिभुज में या बाद में या कम होती है इसलिए प्रमुख उत्पाद। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ऑर्थोडाइनिक। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो मेटाडाइनिक मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन होता है। तो एक एनओ टू के बाद दूसरा एनओ टू ऑर्थो पे कैसे लगाना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड। ये ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का मैं डायग्राम भी बना दूं कि हमको बनाना क्या है। ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन किससे बनाना है, किसी का बेंजीन बेंजीन से बनाओ ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। एग्जाम ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन कैसे देखो अपन सबसे इम्पोर्टेंट बेहतर स्टेप है, ध्यान से देखना है। हमने बेंजीन किया, सबसे पहले बेंजीन किया और बेंजीन का किया नाइट्रीकरण। जानते हो बेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है, नाइट्रीकरण नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये HNO3 प्लस H2SO4 की वजह से होता है, H2SO4 दोनों कंसंट्रेट होता है 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब अपन नाइट्रोबेंजीन का पिछली बार की तरह ऑप्शन करते हैं, रिडक्शन ऑप्शन है, रिडक्शन कोई भी धातु NaCl ले लो, NaCl की वजह से ऑप्शन है। तो ये प्रबल अम्लीय माध्यम है, ये NO2 बदल गया NH2। अब NH2 ये मेटा डायरेक्टिंग था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब NH2 ग्रुप लगने पर ये एनिलीन बन गया, एनिलीन तो बन गया एनिलीन तो बन गया, लेकिन अब एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, इसका पहले एसिडिलीकरण करना। एसिडिलीकरण कराने के दो तरीके, या तो एसिडिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करा दो, या तो एसिडिक एनहाइड्रेट से एसिडिलीकरण करा दो, या तो एसिडिक क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। ये एसिटोनिलाइड बन जाता है,
अब इस ऐसी ट्रेनिंग लेट करना है, अब इस ऐसी ट्रेनिंग लेट को हम नाइटीकरण करते हैं, नाइटीकरण हुई ऐसे लोग तो उत्पाद और तो और मेरा कमीशन बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर और तो ही बना रहा हूँ, हमको और तो उत्पाद और तो बस एनो टू और तो मिला क्या, अब इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है कि आप दूसरा तरीका है आप सेकंड के अंदर दो तरीके हैं, आप एनए एनओ टू डाइजेशन एसटीएल कर लो और सेकंड स्टेप के अंदर फिर एसएनओ टू और यूकोस ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कर लो, वो भी अपन इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो ऑक्सीजन कराए ऑक्सीजन वही है जो मेटा का था, हमने नाइट्रोजन लिया ऑटो डाइनाइट्रोजन लिया और इसकी सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करें, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करें, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन होती है, पहले अब आते हैं पैरा डाइनाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोबेंजीन से पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाना बनाना क्या है, पहले स्ट्रक्चर पास में बता देता हूं, ये रहा पैरा डाइनाइट्रोजन, पैरा डाइनाइट्रोजन तो ऊपर वाला ही तरीका है, बेंजीन से स्टार्ट करो सीधे नाइट्रीकरण कराओ उसके बाद एसिटैनिलाइट से कराओ और हमने जैसे बोला है पहला एसिटैनिलाइट लाया था हमने और तो नाइट्रो प्राप्त होता है और तो पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने पर ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और ये लो NH2 और NO2, अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, पहले एथाइल ऑक्सीडेशन कर दो NaNO2+ HCl और सेकंड HNO2 की प्रेजेंस में क्यूप्रोस ऑक्साइड अगला है फिनाइल डायमिन का ऑक्सीडेशन, एक और मेथड है कि हमने फिनाइल लिया ग्रुप और इसके पैरा से दोनों पे
रासायनिक गुणों के ऊपर आते हैं, क्या क्या रासायनिक गुण हो सकते हैं? सबसे पहले नाभिक नहीं पड़ती, क्या करा सकते हैं? नाभिक नहीं पड़ती, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमने पैराडाइन लिया और नहीं।